नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है DHP न्यूज चैनल में। मैं हूं आपके साथ रोहित शर्मा और हिमाचल प्रदेश के आज के बड़ी खबरें और मुख्य समाचार आपको बताएंगे। यदि आपने अभी तक DHP न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना मिलती रहें। चलिए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। विजिलेंस ने 10,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा पटवारी। हिमाचल प्रदेश राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने मंडी जिले की उप तहसील छतरी के तहत गुड़ा कंडीदार पटवार सर्कल में तैनात पटवारी राजेश कुमार को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। आरोपी पटवारी ने शिकायतकर्ता से होम लोन लेने के लिए जमीन बंधक करवाने की अवज में 10,000 रुपये रिश्वत मांगी थी। शिकायतकर्ता ने पहली किस्त के रूप में 5,000 रुपये दे दिए, जबकि दूसरी किस्त में 3,000 रुपये देने की बात बनी थी। दूसरी किस्त की रिश्वत लेते हुए विजिलेंस टीम ने पटवार सर्कल में ही पटवारी को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के अनुसार विभागीय इंस्पेक्टर विनोद ठाकुर व उनकी टीम को इस संबंध में सूचना मिली थी, जिसमें शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि पटवार सर्कल गुड़ा कड़ीदार में पटवारी राजेश कुमार ने राजस्व संबंधी कार्यों के बदले 10,000 रुपये की रिश्वत मांगी थी। इस पर उसने बीते 4 जुलाई को आरोपी पटवारी को 5,000 रुपये दे दिए थे। दूसरी किस्त में 5,000 रुपये के बजाय 3,000 रुपये में बात तय हुई थी। यह राशि पटवारी ने 6 जुलाई को सौंपने के लिए कहा था। इसके बाद विजिलेंस ने आरोपी को रंगे हाथ पकड़ने के लिए जाल बिछाया। पंडोह डैम से 1 सेकंड में छोड़ा जा रहा 12,725 क्यूसेक पानी, ब्यास में जलस्तर बढ़ा। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में शुक्रवार रात को बारिश का दौर जारी रहा, इससे ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ गया है। लारजी डैम से पानी छोड़ने के बाद पंडोह डैम भी पानी से लबालब हो रहा है। पंडोह डैम में पहुंच रहे पानी को हिसाब से ही छोड़ा जा रहा है। BBMB प्रबंधन के अनुसार पंडोह डैम में पानी की आवक 21,385 क्यूसेक प्रति सेकंड है, जबकि 12,385 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। पानी की आवक बढ़ने का असर सीधा जल स्तर पर पड़ रहा है। इससे ब्यास तट पर बसे गाँवों व आसपास रह रहे लोगों की चिंता भी बढ़ने लगी है। हालांकि अभी तक जलस्तर खतरे के निशान से नीचे ही है। कुल्लू जिला में भारी बारिश होने के बाद ब्यास नदी का जलस्तर और बढ़ने की आशंका है। ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद सुकेती खड व ब्यास नदी के संगम में जलस्तर पंचवक्त्र महादेव मंदिर की सीढ़ियों तक पहुंच गया है। उधर SDM सदर मंडी ओमकांत ठाकुर ने ब्यास नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए लोगों से नदी के किनारे न जाने की अपील की है। कहा कि किसी भी तरह का जोखिम न उठाएं, यह जानलेवा हो सकता है। वहीं BBMB पंडोह के अधिशासी अभियंता विवेक चोपड़ा ने बताया कि पंडोह डैम में भी पानी की स्थिति नियंत्रण में है, पानी को लेकर पूरी निगरानी की जा रही है। शहीद पवन को मरणोपरांत कीर्ति चक्र, माता भजन दासी और पिता शिशुपाल ने राष्ट्रपति के हाथों से लिया सम्मान। हिमाचल प्रदेश के रामपुर उपमंडल के पृथ्वी गांव के शहीद पवन कुमार धंगल को मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है। दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में आयोजित सम्मान समारोह में शहीद पवन कुमार धंगल की माता भजन दासी और पिता शिशुपाल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों यह सम्मान प्राप्त किया है। 27 फरवरी 2023 को जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के एक गांव में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ के दौरान एक आतंकी को मार गिराकर पवन शहीद हो गए थे। पुलवामा के एक गांव में आतंकवादियों के छुपे होने की सूचना के बाद घेराबंदी करने के लिए सेना की टुकड़ी रवाना हुई थी। सेना के इस टुकड़ी में रामपुर उपमंडल के पृथ्वी गांव के सिपाही पवन कुमार भी शामिल थे। कांगड़ा में खड्ड में बहा व्यक्ति, सिरमौर में चलती बस पर गिरा पत्थर, 2 घायल। हिमाचल में मॉनसून की शुरुआत में ही भारी बारिश के चलते दुश्वारियां बढ़ गई हैं। कांगड़ा जिला के जवाली की देहर खड्ड में बकरियां चलाकर लौट रहे एक व्यक्ति की बहने से जान चली गई। सिरमौर जिले में चलती बस में पत्थर गिरने से 2 लोग जख्मी हुए हैं, 20 यात्री बाल बाल बचे। सिरमौर जिले के संगड़ाहा में शनिवार सुबह पहाड़ी से भारी भरकम पत्थर बस की छत पर गिरा और वहीं फंस गया। इसमें एक महिला समेत 2 लोगों को चोटें आई हैं। शुक्रवार रात हुई भारी बारिश से चंबा में नाले में मलबा आने से 3 वाहन दब गए और 6 दुकानों और 4 गौशालाओं में कीचड़ भर गया। गगल में कांगड़ा हवाई अड्डे की सुरक्षा दीवार गिर गई। शनिवार को ज्यादातर क्षेत्रों में मौसम साफ रहा, हालांकि रोहतांग में फाहे गिरने से मौसम और ठंडा हो गया। घास काटते खाई में गिरकर पति पत्नी की मौत, एक दिन पहले ही मनाया था बेटी का जन्मदिन। घास काटते समय पैर फिसलने से खाई में गिरकर पति पत्नी की मौत हो गई। यह दर्दनाक हादसा हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के आनी में ब्रो पुलिस थाना के तहत पंचायत कुशवा के किंचा गांव में पेश आया।
सूचना मिलते ही पुलिस ने शवों को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिए। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक इस घटना से एक दिन पहले उनकी बेटी का जन्मदिन था। उन्होंने रात को अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर जन्मदिन धूमधाम से मनाया। शुक्रवार को दोनों के साथ यह दर्दनाक हादसा घटित हो गया। पुलिस ने इस घटना को लेकर भारतीय न्याय संहिता के तहत मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। दंपति की पहचान किंचा निवासी 26 वर्षीय भगवान दास और 24 वर्षीय उसकी पत्नी कपिला के रूप में हुई। पवित्र मणिमहेश यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया शुरू। पवित्र मणिमहेश यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पवित्र मणिमहेश यात्रा 26 अगस्त से लेकर 11 सितंबर तक चलेगी। SDM भरमौर कुलबीर सिंह राणा ने बताया कि यात्रा पर जाने के लिए हर शिव भक्त को अपना ऑनलाइन पंजीकरण करवाना होगा। बताया कि पंजीकरण सुविधा www.manimaheshyatra.hp.gov.in पर उपलब्ध होगी। बताया कि मणिमहेश यात्रा की आधिकारिक तिथियों के दौरान पंजीकरण करना अनिवार्य रहेगा। आधिकारिक तिथियों से पूर्व जो भी श्रद्धालु मणिमहेश जा रहे हैं उन्हें पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। शिमला में एक दिन में 10 से 20 रुपए प्रति किलो बढ़े सब्जियों के दाम, फूलगोभी ने लगाया शतक। बरसात के चलते हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला की मंडियों में सब्जियों की आवक घट गई है। इसके कारण सब्जियों के दामों में उछाल आ गया है। एक दिन में ही सब्जियां 10 से 20 रुपए प्रति किलो महंगी हो गई। शुक्रवार को लोअर बाजार सब्जी मंडी में जो टमाटर 40 से 60 रुपए प्रति किलो बिक रहा था, शनिवार को उसकी कीमत 60 से 80 रुपए प्रति किलो पहुंच गई। इसके अलावा 80 रुपए में बिकने वाली फूलगोभी 100, 30 से 40 में बिकने वाली भिंडी 40 से 50 और 30 से 40 रुपए में बिकने वाली लौकी के दाम 40 से 60 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गए। हालांकि मटर, प्याज और आलू के दाम स्थिर हैं। शादी और पार्टी में शराब परोसी तो होगा समारोह का बहिष्कार, जुआ खेलने और नशा बेचने पर जुर्माना। महिलाओं ने नशे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शिलाई विधानसभा क्षेत्र की कमरऊ तहसील के विकास खंड तिलोरधार की टिटियाना पंचायत में शादी समारोह और दूसरी पार्टियों में शराब परोसे जाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। क्षेत्र की महिलाओं ने निर्णय लिया है कि ऐसा करने वाले खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उस कार्यक्रम का सामूहिक बहिष्कार किया जाएगा जहाँ पर शराब परोसी जाएगी। इसके अलावा महिलाओं ने पंचायत में जुआ खेलने, नशा बेचने वालों के खिलाफ 5,000 रुपये जुर्माने की भी बात कही है। उनका कहना है कि यदि जुर्माने के बाद भी लोग नहीं सुधरे तो उनके खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज करवाया जाएगा। टिटियाना पंचायत की महिलाओं की एक बैठक शाठी पाशी का चौथा महासू देवता के मंदिर प्रांगण में हुई। इसकी अध्यक्षता पंचायत प्रधान पार्वती शर्मा ने की। हिमाचल के कुपवी के कुलभूषण मांटा को मरणोपरांत मिला शौर्य चक्र। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्र के लिए सर्वस्व बलिदान करने वाले जांबाजों का सम्मान किया है। उन्होंने रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य व केंद्र शासित प्रदेश के पुलिस कर्मियों को 10 कीर्ति और 26 शौर्य चक्र प्रदान किए। हिमाचल के शिमला जिले के कुपवी क्षेत्र के सेना में राइफलमैन कुलभूषण मांटा को मरणोपरांत शौर्य चक्र दिया गया। यह सम्मान उनकी माँ और पत्नी नीतू ने प्राप्त किया। मांटा जम्मू कश्मीर के बारामूला में आतंकी मुठभेड़ में बलिदान हो गए थे। राष्ट्रपति भवन में शुक्रवार को आयोजित समारोह में यह पुरस्कार इन कर्मियों को विशिष्ट वीरता, अदम्य साहस और कर्तव्य के प्रति असाधारण प्रदर्शन के लिए प्रदान किए गए। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत कई और मंत्री मौजूद थे। जिन सैनिकों जवानों को मरणोपरांत यह सम्मान प्रदान किया गया उनके परिजनों ने यह सम्मान प्राप्त किया। सम्मान प्रदान करने के दौरान उनकी शौर्य गाथा सुनाई गई। शिमला शहर में अफीम व चिट्टा बरामदगी के 3 मामले, पिता पुत्र सहित 5 गिरफ्तार। राजधानी शिमला में मादक पदार्थों की तस्करी में संलिप्त लोगों के विरुद्ध पुलिस लगातार शिकंजा कस रही है। पुलिस ने शहर के 3 अलग अलग स्थानों में मादक पदार्थ अफीम और चिट्टा के साथ 5 तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनमें पिता पुत्र भी शामिल हैं। पहले मामले में बालूगंज पुलिस ने नेपाली मूल के पिता पुत्र से अफीम की खेप पकड़ी है। बालूगंज थाना क्षेत्र में गश्त के दौरान संदिग्ध अवस्था में घूम रहे पिता पुत्र की जब पुलिस ने तलाशी ली तो उनके कब्जे से 2 किलो 930 ग्राम अफीम बरामद हुई। आरोपियों की पहचान संतोष कामे पुत्र हरका बहादुर और हरका बहादुर निवासी नेपाल के तौर पर हुई। दूसरे मामले में ढली थाना पुलिस ने क्षेत्र में गश्त के दौरान 10.34 ग्राम चिट्टे के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
इनकी पहचान ऊना निवासी अंकुश राय और मंडी करसोग निवासी नवीन राणा के रूप में हुई। तीसरा मामला सदर थाना क्षेत्र में सामने आया, जहां पुलिस ने शिमला के संजौली निवासी साहिब सिंह के पास से करीब 2 ग्राम चिट्टा पकड़ा। शिमला के एसपी संजीव गांधी ने शनिवार को बताया कि पिछले 15 महीनों में शिमला पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में 600 मामले दर्ज किए हैं और लगभग 1000 तस्करों को गिरफ्तार किया है। उन्होंने कहा कि नशे के खिलाफ शिमला पुलिस पूरी मुस्तैदी से कार्रवाई कर रही है और दोषियों की संपत्ति को जब्त किया जा रहा है। बीते एक हफ्ते में 20 पेडलर्स को पकड़ा गया है। तो ये थे आज के प्रदेश के मुख्य समाचार। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अब मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।